बिसम रहीम टू वी आर डूइंग डेरिवेटिव्स. आज हमारा टॉपिक ज़रा सिंपल फॉर्म में है दैट इज ऑप्शंस. नेप्शन ऑप्शन की किस सिचुएशन में हम हैं तो दे आर थ्री डिग्रीज अभी हम उसकी बात करते हैं अ कॉल ऑप्शन इज सेट टू बी इन द मनी इफ द मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन द स्ट्राइक प्राइस इन दिस केस ऑप्शन वुड बी एक्सरसाइज ये बेसिकली हम ऑप्शन की जो एक्सरसाइज प्राइस है और उसकी जो मार्केट प्राइस है उसको कंपेयर करते हैं अगर कॉल ऑप्शन के पॉइंट से अगर हम बात करें इफ़ द मार्केट वैल्यू इज़ ग्रेटर देन आर एक्सरसाइज प्राइस जो कि लॉजिकल है कि फिर हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल है तो दैट इज़ रेफर टू एज़ इन द मनी कॉल ऑप्शन इज आउट ऑफ मनी इफ द मार्केट प्राइस इज लेस देन द एक्सरसाइज प्राइस यानी कि आपके पास राइट टू बाई एट से हंड्रेड का और मार्केट में वो अभी एट्टी का है तो दैट इज आउट ऑफ मनी कोई उसको लेना इतना बेनिफिशियल हमारे लिए नहीं है क्योंकि मार्केट प्राइस जो है वो अभी हमारी स्ट्राइक प्राइस से बड़ी नीचे है दैट इज आउट ऑफ मनी ऑप्शन एट द मनी इफ द मार्केट प्राइस एंड एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस आर इक्वल यानी कि वो बिल्कुल बराबर है हंड्रेड ही आपकी स्ट्राइक प्राइस है हंड्रेड ही आपका जो है मार्केट प्राइस है ये बिल्कुल बराबर पे एट पार पे है अब टाइम जो है डेट विल ट्रिगरिंग इन बट अभी एज एट दैट टाइम इट इज एट द मनी अब पुट ऑप्शन इज सेट टू बी इन द मनी इफ द मार्केट प्राइस इज लेस देन द एक्सरसाइज प्राइस पुट ऑप्शन क्या होता है राइट टू सेल तो अगर आपकी जो स्ट्राइक प्राइस जो आप जिस रेट पे बेच सकते हैं वो ज़्यादा है और मार्केट में प्राइस कम है यानी कि यू आर एट एन एडवांटेज पोजीशन तो इट इज़ रेफर टू एज इन द मनी इन दिस ऑप्शन वुड बी एक्सरसाइज अगर आप ऑप्शन चाहेंगे तो ऑब्वियसली एक्सरसाइज करना चाहेंगे कि आप एक चीज़ दो की बेच सकते हैं मार्केट में वो एक की है तो यूड प्रेफर सेल थ्रू द ऑप्शन आप ऑप्शन तो को एक्सरसाइज करेंगे

इट्स विल बी लाइक इन डिफरेंट फॉर द डायनेमिक. तो एज आई टोल्ड यू की बड़ा सिंपल सा है तो वट आई सजेस्ट यू इज़ कि एक छोटा सा टेबल बनाए मैंने खुद जान के नहीं बनाया कि आई अटाइन दैट टास्क टू यू कि कॉल ऑप्शन इन द मनी में कब है एट द मनी कब है आउट ऑफ मनी कब है सिमिलरली पोट ऑप्शन कब है एक को अगर आप याद कर लेते हैं तो दूसरा उसका वैसे भी वॉइस बढ़ता है इन दिस सिचुएशन एंड ऑप्शन इज़ इन और आउट ऑफ मनी डेजिग्नेशन इज़ नोन एज मनी इसको कहा जाता है कि जी ऑप्शन की मनीनेस क्या है कि ये किस लेवल पे है इज़ इट एट द मनी आउट ऑफ मनी तो इसको गेज किया जाता है वेदर वुड बुड बी प्रॉफिटेबल टू एक्सरसाइज उसको अभी एक्सरसाइज करने का फ़ायदा है कि नहीं अगर फायदे में है तो इन द मनी है फायदे में नहीं है या पॉसिबल वो नहीं है तो देन दैट इज आउट ऑफ मनी एट दैट फार प्लग एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें ओवरव्यू लेट कंसीडर टिपिकल कोर्ट्स नॉर्मली कैसे कोर्ट किए जाते हैं नेम ऑफ वंडरलाइंग ए बी सी कॉरपोरेशन का लेट से स्टॉक है एक्सपायरेशन डेट है जी डिसम्बर ट्वेंटी स्ट्राइक प्राइस है उसकी फोर हंड्रेड क्लास होगी या कॉल ऑप्शन होगी या पुट ऑप्शन होगी प्राइस के उस ऑप्शन का प्रीमियम आप कितना देते हैं दैट इज रेफर टू एज प्राइस अब इस सिचुएशन में यू शुड इस डेटे के साथ जो आपने टेबल बनाना है उसके साथ एक, एक, एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है उसमें आपने डिफरेंट ऑप्शन बना के देखनी है कि क्या पॉसिबिलिटी होगी फॉर एक्जाम्पल हमारे पास कॉल ऑप्शन है और उसकी प्राइस है थ्री फिफ्टी मार्केट की स्ट्राइक प्राइस क्या है फोर हंड्रेड अब थ्री फिफ्टी हमारी प्राइस है कि हम मार्किट में इस वक्त थ्री फिफ्टी का है हम कितने का खरीद सकते हैं फोर हंड्रेड का तो ये कौन सी ऑप्शन है ये आउट ऑफ मनी है इसको एक्सरसाइज करने का फ़ायदा नहीं है फिर ऑप्शन बी बनाए ऑप्शन बी में क्या बात कर ली हमने कि इस वक्त लेट से मार्केट प्राइस है फोर सेवेंटी मार्केट में फोर सेवनटी का है और आपने देखा है कि हम ले सकते हैं फोर हंड्रेड का तो इसका मतलब है इट इज़ वेरी बेनिफिशियल सिचुएशन तो इट इज़ रेफर टू एज इन द मनी तो इन द मनी में हमने देखा कि क्योंकि हम लोग फोर हंड्रेड का ले सकते हैं और मार्केट में वो ऑलरेडी वायर हायर हो चुका है फोर सेवेंटी का है, तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू डू सो तो आपने इस डेटे की सा बेस करके उन छः की छः ऑप्शन में डेटा डालना है और आपको सिंपल वैसे भी पता है कि जो एड द मनी है वो तो दोनों ही बराबर होनी है तो ये बेसिकली आपके लिए एक लर्निंग uh, टिप है कि इसको आप एक टेबल बनाएं के साथ इसको इम्प्लीमेंट करें इन दैट केस यू विल नॉट फॉरगेट कि व्हेन इट इज़ इन द मनी व्हेन इट इज़ आउट ऑफ मनी द प्राइज ऑन ऑप्शन कॉन्टैक्ट इज नोन एज द ऑप्शन प्रीमियम तो ऑप्शन की जब प्राइज़ की बात की जाती है तो उसका प्रीमियम कितना है वो ही ऑप्शन की प्राइस है उसको हमें कन्फ्यूज़ नहीं करना कि ये स्ट्राइक प्राइज़ या एक्सरसाइज प्राइस नहीं है मेक शो वैन विच से ऑप्शन प्राइज इट्स द प्राइज और द प्रीमियम विच बी गोइंग टू द बाय गोइंग टू पे एंड सेल इज गोइंग टू गेट दिस शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद द स्ट्राइक प्राइस क्योंकि स्ट्राइक प्राइस इज़ वेरी वेल डिफरेंट कि वो उस किस रेट पर एग्जीक्यूट हो सकता है वो है स्ट्राइक प्राइस और वो ऑलरेडी मेंशन होगी एट द बिगनिंग कि हम इसकी ये स्ट्राइक प्राइस है या स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस आर टू इंटरचेंजेबल वर्ड्स दोनों उसी के लिए यूज किए जाते हैं दीज एलिमेंट्स वर्क टुगेदर टू हेल्प अस डिटरमाइन द मनीनेस ऑफ़ एन ऑप्शन डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑप्शन इंट्रेंसिक वैल्यू ये बेसिकली इसको ऑप्शन की इंट्रेंसिक वैल्यू भी कहते हैं ये एक उसके यानी कि देखे ना एक चार सौ सत्तर की चीज़ आप चार सौ की ले सकते थे तो सत्तर का तो स्ट्रेट वे फर्क है और प्लस आपको कुछ टाइम का एडवांटेज मिलता है कुछ और चीज़ें मिलती हैं वो सेपरेट हैं लेकिन द दोनों का जो मेन डिफ्रेंस है दैट इज़ रेफर टू एज द इंटरेंसिक वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो एज अ डोल्ट यू के बड़ा एक बेसिक था कॉन्सेप्ट है इसको लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि बिकॉज इसकी लेकिन यूटिलिटी एप्लीकेशन बहुत फ्रीकुनली आएगी तो so, आप इसका एक टेबल बना के लर्न ऑन इट मेमोराइज इट एंड पुट द जो हमने फिगर वाला टेबल डाला था उसको आपने एक्सटेंड करना है विथ ऑल पॉसिबल एग्जाम्पल्स थैंक यू